पंजाब नेशनल बैंक में स्टाफ की कमी और बैंक मैनेजमेंट की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मियों ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन की राष्ट्रीय इकाई के आह्वान पर काले बिल्ले लगाकर मौन प्रदर्शन किया और बैंक के प्रबंधन निदेशक को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में काम को रोक दिया जाएगा, सभी कर्मी अनशन पर बैठ जाएंगे। बैंक मैनेजमेंट पर कर्मियों के मानसिक प्रताड़ना के आरोप भी लगाए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर यूनियन के राज्य उपसचिव संदीप कौंडल ने कहा कि बैंक की दमनकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, शिमला में प्रदर्शन किया गया है और बैंक प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बैंक में दो बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया है और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया है और एक चौथाई कर्मियों अधिकारियों को शाखाओं से निकालकर वर्टिकल ऑफिस में स्थानांतरित किया गया है और शाखाओं में जो कर्मी हैं उन पर काम का दबाव बढ़ गया है। फेडरेशन ने बैंक मैनेजमेंट को जल्द इन मांगों को पूरा करने की चेतावनी दी और यदि मांगे पूरी नहीं करती है तो देश भर में बैंक कर्मी काम रोककर अनशन पर बैठ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन कौंडल AGS पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन से हमारी कुछ मांगे हैं जिनको कि प्रबंधन मान नहीं रहा है और इस चीज़ को बार बार नकार रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमने जो है वो जोनल मैनेजर जो हैं श्रीमती रीता कौल जी को जो है वो ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद में जो है वो आज हम यहाँ पे जो सारे के सारे हिमाचल के प्रतिनिधि जो हैं पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी मुखिया जो तीन मांगे हैं, पहली है स्टाफ स्ट्रेंथ। मैं बैंक जो है वो स्टाफ स्ट्रेंथ को जो है वो बिल्कुल जो है वो सीरियसली नहीं ले रहा है और यहाँ पे जो वर्टिकल स्टार्ट किए गए हैं जिसमें कि जो है वो स्टाफ ब्रांचेस से जो है वो स्टाफ को उठा करके जो है वो वर्टिकल्स में पोस्ट कर दिया गया है जिससे कि जो है ब्रांचेस का जो है वो बहुत बुरी हालत हो गई है। आज जो है वो आज मेन मुद्दा ये बन गया है कि जो ऊपर से ऑर्डर देने वाले हैं वो ज़्यादा बन गया और काम करने वाले जो है वो बहुत कम हो गए, तो इससे जो है वो हम लोगों को जो है वो हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है वो बहुत ही दबाव महसूस करना पड़ रहा है। और अगली है हमारा जो ब्रांच कैटेगराइजेशन, तो ब्रांचेज जो हैं वो बैंक ने ब्रांच की जो कैटेगराइजेशन की गई है उसका हम विरोध करते हैं, उसको जो है वो दोबारा जो है बैंक को उनका जो है रिकैटेगराइजेशन करनी चाहिए। और तीसरी है स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी का तहत जो है वो हमारे हम जो हैं वो बैंक प्रबंधन से मांग करते हैं कि जो भी अगर कभी भी किसी के विरुद्ध कोई अधिकारी जो है वो किसी भी चीज़ में अगर उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई होती है वो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी के तहत हो। और यहाँ पे बार बार देखा गया है कि बैंक ने जो है वो इस स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी की जो है वो अवहेलना की, तो यही हमारी मुख्य मांग है।